नमस्कार UPN08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। प्यारा राजगढ़ से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। आगामी उपचुनाव के मद्देनजर अवैध शराब परिवहन के विरुद्ध जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। देखते रहिए UPN08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए UPN08 के साथ। 53 लाख का मशरूका किया जब्त। भारी मात्रा में लाखों की अवैध शराब की बड़ी खेप ले जाते दो गिरफ्तार। 555 पेटी अवैध शराब का कर रहे थे परिवहन। पुलिस की मुस्तैदी के चलते दबोचा। जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा द्वारा अवैध शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु जिले में लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसके चलते अवैध शराब के परिवहन एवं तस्करी में लिप्त अपराधियों के हौसले पस्त करते हुए जिला राजगढ़ की पुलिस ने एक बड़ी खेप ले जाते हुए आरोपियों को धर दबोचा। जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा लगातार इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु प्रयासरत हैं, जिसके तहत जिले की पुलिस टीम को अलर्ट पर रखा गया था। सूचना मिलने पर तत्काल एक्शन में आते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। क्या है पूरा मामला? ये जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे ब्यावरा विधानसभा में उपचुनाव होना है, इसी को देखते हुए चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उसमें अवैध शराब और अवैध हथियारों के परिवहन के संबंध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी इवेंट के दौरान थाना प्रभारी ब्यावरा ने सूचना दी कि एक ट्रक है कंटेनर पूरा जो अवैध शराब परिवहन करके ले जा रहा है। इसमें ट्विस्ट ये था कि जो लोग लेके जा रहे हैं उनको भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। उनको बस ये बताया गया था कि एक जगह आप लोग पहुँचेंगे पर्टिकुलर प्लेस पे, तो वहाँ उसके बाद आपको सूचना मिलेगी कि इसको डिलीवर कहाँ करना है। जब ट्रक को रात में रोका गया, अर्ली मॉर्निंग इन्होंने एम्बुश लगा रखा था, रोका गया, तो इसका जो ट्रक नंबर था UP 2080 4243। एक और बात जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस ट्रक का जो इंजन नंबर केसेस नंबर का वो भी इससे मैच नहीं खाता है। तो हम इस ट्रक का एक्चुअल जो बिलोंगिंग है वो भी पता करने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रक में ड्राइवर और क्लीनर थे, जिसमें जो ड्राइवर था उसने अपना नाम किशन पिता होशियार सिंह झाट, उम्र 32 साल, निवासी ग्राम समरी, थाना गोहाना, जिला सोनीपत, और जो क्लीनर है उसने अपना नाम सुधीर पिता सुशील वाल्मीकि, 19 साल, ये भी खरपौदा थाना जिला सोनीपत हरियाणा का उन्होंने बताया। इन दोनों से जब गाड़ी के बारे में पूछा गया तो ये ज़्यादा कुछ बता नहीं पाए, उन्होंने गुमराह करने का प्रयास किया गया। जब कंटेनर खुलवा के दिखवाया गया तो इसमें जो छुपाया हुआ था उसके पीछे करीबन 555 कार्टूनों में, जिसमें 475 देसी संतरा मसालेदार जो शराब होती है वो है, और 40-40 पेटी विस्की इंपीरियल ब्लू और मैकडॉनल्ड्स है। ये टोटल इस तरह से करीबन 4,966 लीटर अवैध शराब है। और ये पूरा कंटेनर जो आप देख सकते हैं, ये बड़ा कंटेनर इन लोगों से जब्त किया गया। इन दोनों को अभी न्यायालय पेश किया जाएगा। इनका जो मोबाइल है वो हम लोग जब्त कर रहे हैं, उसमें हमें उम्मीद है कि ये इन्होंने अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ में बताया है केवल ये बता पा रहे हैं कि हमें पचौर में जाकर फुलखेड़ी में गाँव के लिए ये था, लेकिन कहाँ डिलीवर करना था और किसके माध्यम से करना था इसके संबंध में अभी इनको जानकारी नहीं है। ये केवल ये बता रहे हैं कि यहाँ पहुँचने के बाद इनको इसमें फ़ोन आना था, उसके बाद इनको पता होता या कोई व्यक्ति इनसे संपर्क करता जिसके बाद इनको पता चलता। सेकेंडली इसमें अभी GPS भी देखा जा रहा है, GPS से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि किस माध्यम से इसकी ट्रक की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। और इसमें दोनों तरफ जो सप्लाई चेन है जिनके यहाँ ये माल जाना था और जिनके यहाँ से ये माल आना है, उन दोनों का अभी इनके फ़ोन का एनालिसिस और इनकी लोकेशन का एनालिसिस देखकर हम करेंगे। जो अभी हमारी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है ये हरियाणा का खरखौदा इलाका है, सोनीपत जिले में, वहाँ से ये संभवतः ट्रक चला है। इस ट्रक का वेयर अबाउट्स और इस ट्रक का मालिक कौन है इसके संबंध में भी अभी हम अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात करके प्रयास करेंगे कि हम इसको भी ट्रेस कर सकते हैं।